नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। मेरा नाम है रॉबिन और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। करंटली मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूं चितकारा यूनिवर्सिटी से। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये वर्ड एक अपने आप में ही संघर्ष है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज से पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की। और मैं ऑनलाइन एजुकेशन को संघर्ष क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासेस यानी कि वो वाली क्लासेस जो हम जाकर अटेंड करते थे वो तो हम बचपन से अटेंड करते आ रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन एक टोटली डिफरेंट चैलेंज था पिछले कुछ महीनों में और शायद आने वाले वक्त में भी होगा। ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में तो ऐसा लगता है कि टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी जाती है और स्टूडेंट्स उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सबमिट कर देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और अटेंडेंस लग जाती है और बस खत्म। नहीं, बस यही नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन क्या है, उन्हीं बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में रही है और वो भी सिर्फ एक वजह से, और वो है कोरोना वायरस। ये वायरस जो चाइना से फैला है इसने पूरी दुनिया तहस नहस कर रखी है। न जाने कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जानें गंवाई हैं और कितने लोगों के कितने अहम काम रुके हुए हैं। मानो कि जैसे बस सब कुछ थम सा गया हो। अब तो बस सब लोगों को एक ही चीज का इंतजार है और वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो जब सब कुछ रुक गया इस वायरस की वजह से, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड पहले से ज्यादा चर्चा में आ गया, और खासकर ये ऑनलाइन एजुकेशन। मेरी ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट लॉकडाउन के 10 या 11 दिन बाद शुरू हो गई थी और मास कॉम के सारे स्टूडेंट्स को 3 या 4 दिन पहले टाइम टेबल आ गया था। और मोस्टली मेरी क्लासेस 10:50 पर शुरू हो जाती थी और मैक्सिमम एक दिन में मेरी 3 या 4 क्लासेस लगती थी। ऐसे क्लासेस अटेंड करना काफी रिलैक्सिंग था, लेकिन स्टिल ये इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है। टीचर्स के द्वारा हमें पूरी सपोर्ट मिली और साइकोलॉजिकली टीचर हमें पूरा मोटिवेट रखते थे ताकि हम इन न्यू चैलेंजेस से ना घबराएं। लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें थी जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, साउंड ग्लिच एंड और भी बहुत कुछ। वैसे मैंने अकेले नहीं, हर स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस की है, और चैलेंजेस सिर्फ स्टूडेंट्स ने नहीं हर टीचर ने बहुत बार फेस किए हैं। हम स्टूडेंट्स को तो सिर्फ सुनना होता था या फिर 1 या 2 क्वेश्चन पूछने होते थे, लेकिन एक टीचर को तो पूरा टॉपिक डिफाइन करना होता था और साथ में ये भी ध्यान रखना होता था कि कहीं स्टूडेंट्स को आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मुझे वैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब असाइनमेंट सबमिशन का टाइम था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक सारे सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर अपलोड कर दी और मुझे लगा मेरी असाइनमेंट सबमिट हो गई होगी, लेकिन सबमिट करने के 4-5 घंटे बाद जब मैंने रीचेक किया तो मैंने ध्यान दिया कि ऊपर एक हैंड इन का ऑप्शन है जिसपे क्लिक करने के बाद ही असाइनमेंट सबमिट होती है। तो फिर मैंने उस पर क्लिक किया और अपनी असाइनमेंट सबमिट की, मतलब एक ऑप्शन की वजह से मेरी सारी असाइनमेंट रह जाती। वैसे आमने सामने बैठकर और ऑनलाइन पढ़ने में काफी डिफरेंस होता है, और इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी। आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपके प्रोफेसर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन 6 या 7 मिनट के लिए ब्रेक हो जाता है तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, वैसे आप बाद में अपने दोस्तों से जरूर पूछ लेंगे, लेकिन आप वैसा नहीं समझ पाएंगे जैसा एक प्रोफेशनल टीचर आपको समझाएंगे। वैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के वक्त मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतनी ज्यादा देर के लिए तो नहीं ब्रेक हुआ था, लेकिन स्टिल इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक होने से काफी प्रॉब्लम होती है रिकनेक्ट होने में। एंड मैंने अपना हाफ फोर्थ सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही कंप्लीट किया है। एंड टीचर्स के हार्डवर्क एंड स्टूडेंट्स की कॉपरेशन की वजह से चितकारा यूनिवर्सिटी को आज इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर ग्रेट ई लर्निंग प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो कुछ ऐसा ही वक्त था मेरी ऑनलाइन एजुकेशन का। सो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन में बस इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।